साहित्याचार्य अमित शर्मा जी की जिज्ञासा है कि मूर्ति प्रतिष्ठा में जो मूर्ति का नगर भ्रमण कराया जाता है वह कब कराना चाहिए, और नेत्रों पर पट्टी बंधे हुए करवाए या पट्टी खोल करके ही करवानी चाहिए, ये शास्त्रोक्त निर्णय क्या है कृपया बतलाएं। देखिए शास्त्रों में ये जो नगर भ्रमण है इसको रथ यात्रा नाम से, और वो आँखों पे पट्टी बांधने की क्रिया है वो नेत्रोन्मीलन नाम से प्रतिष्ठा पद्धतियों में मिलती है। प्रतिष्ठा मयूख और ये जो है प्रभु विद्या प्रतिष्ठा अर्णव, सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश और प्रतिष्ठा मौक्तिकम, ये जो ग्रंथ है ये सभी प्रतिष्ठा संबंधित ग्रंथों में परम प्रमाणित है। और इसमें पंडित श्री लक्ष्मी शंकर गौरी शंकर शुक्ल जी ने शास्त्रार्थ पूर्वक इसको लिखा है, तो इसके संस्कृत शास्त्रार्थ प्रकरण में इन्होंने नेत्रोन्मीलनम दृष्टिपातेन आदर्श भंग रूप प्रपंच खंडनम नाम से एक लेख लिखा है। इसका अर्थ है कि नेत्रोन्मीलन देवता का कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका क्या विधान है, तथा नेत्रोन्मीलन करते समय लोग जो है पट्टी खोल करके जो आदर्श भंग करते हैं यानी कि वो शीशे को तोड़ देते हैं, इसका खंडन किया है कि ये सब नहीं होना चाहिए, भाई इसमें कोई दिखावा और कोई ऐसा मत करिए। इस बात को इन्होंने संस्कृत में लिखा है, लंबा प्रकरण है आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसके भावार्थ को हिंदी में यों का त्यों बतलाऊंगा, कुछ समझ भी ले में, अगर आपको देखना हो तो दो एक पंक्ति इसकी सुनिएगा। वे लिख रहे हैं कि प्राचीन काले शिल्पिनम स्वगृह माहूय प्रतिमा निर्माणार्थम कुटीरम निर्माया, कि पहले जो प्रतिष्ठा करने होती थी तो शिल्पिनम जो मूर्ति को बनाने वाला शिल्पी होता था उसको अपने घर पे बुला करके लाते थे और पत्थर की शिल्ली लेकर के आते थे, तो एक स्वगृहम आहूय घर पे ला करके प्रतिमा निर्माणार्थम कुटीरम निर्माया, प्रतिमा के निर्माण के लिए अपने घर पर ही शुभ मुहूर्त में उस शिल्पी के द्वारा पूजन पूर्वक वो उस मूर्ति का निर्माण होता था, तो मूर्ति बनाई जाएगी इसलिए कुटीरम निर्माया, एक कुटीर बनाया जाता था जिसको कर्म कुटीर कहते हैं, और कर्म कुटीर में फिर जब मूर्ति ले जाते वहां से तो उस समय भी वहां हवन आदि कृत्य होता था। अभी भी प्रतिष्ठा पद्धतियों में कर्म कुटीर लिखा रहता, उसका मतलब यही था कि वे मूर्ति घर पे ही बनती थी। तो कैसी मूर्ति, श्वेष्टाम यथोक्त लक्षण माना युधादि संपन्नाम प्रतिमाम भक्ता निर्मापयन्ति स्म, जैसा जैसा शास्त्रों में मूर्ति का लक्षण बतलाया गया, इतनी बड़ी ऐसी आयुध संपन्ना इस प्रकार की दृष्टि और स्वभाव रूप भाव का प्रकट करने वाली मूर्ति हो, वैसी वैसी मूर्ति का भक्त लोग निर्माण कराते थे। परंतु वर्तमान युगे विविधा प्रतिमा जयपुर आदि नगरेषु निर्मीयन्ते, पर वर्तमान में प्रक्रिया यह चल रही है कि जयपुर आदि नगरों में से बनी हुई प्रतिमाओं को ला करके और ततश्चास्माभिर्द्रव्येण क्रीत्वा स्वगृह मानीयन्ते, फिर वहां से जो है अपने जो भी मूर्ति अच्छी लगी उसको धन दे करके और लोग मूर्तियों को ले आते हैं। आस प्रतिमाशु नेत्रादिकम सर्वम सुसंपादितम भवति, परंतु इन प्रतिमाओं में जो भी जयपुर आदि से लोग आजकल लेके आते हैं उनमें आँख इत्यादि और सर्व अवयव बने होते हैं, सब बना हुआ होता है। तो स्नपन काले केवलो नेत्रोन्मीलन रूपा संस्कारो विधीयत, तो जब स्नपन होता है तो स्नपन के समय पर जो है दूसरी वेदी पर वो नेत्रोन्मीलन की केवल क्रिया मात्र कर देते हैं और पूर्ण रूप से नेत्र नहीं बनाए जाते। मुख्य रूप से ये आगे लिख रहे हैं, इनका कहना है और वास्तविकता है कि पहले जो मूर्ति को बनी हुई नहीं लाते थे, शिल्ली रूप में शिला रूप में ले आए और वो शिल्पी वहीं घर पर बनाता था, तो चरणों से लेकर के और शिखा पर्यंत मुकुट पर्यंत किरीट पर्यंत समस्त मूर्ति का निर्माण कर दिया जाता था, केवल नेत्रों को छोड़ दिया जाता था।
नेत्रों का निर्माण नहीं होता था, क्योंकि आगे ये बतला रहे हैं कि जब ये जो क्रिया हो करके जो स्नपन होता था तो उससे पहले नेत्र पर, वहाँ नेत्र स्थान पर पट्टी बांध दी जाती थी। नेत्र पर पट्टी बांधने के बाद फिर लिखा हुआ है पुनश्च पद्धतिषु कि शिल्पी लोहे नोल लिखेत, फिर शिल्पी जो है वो टंकण माने टांकी से लोहे और हथौड़े से फिर वहाँ जो है बनाता था। तो नेत्रोन्मीलन के समय पर वो जो है चित्रण देवानाम इत्यादि मंत्र से या तच्चक्षुर देवहितम इस मंत्र से वो स्वर्ण शलाका से और घृत मधु इत्यादि से वहाँ अंकित कर दिया जाता था, जहाँ नेत्र बनने होते हैं वहाँ पक्ष्म को और ये कनीनिका आदि को वहाँ जो है शहद से और घृत से वो नेत्र बना दिए जाते थे। तो उसी जगह पर फिर शिल्पी अपने टांकी हथौड़े से उस जगह पर मूर्ति के नेत्रों का निर्माण करता था। तत्समय पर ही वो पट्टी खोल करके ये क्रिया होती थी। तो फिर ये जो है आगे का जो क्रिया होती थी, तो इस समय क्या करते हैं लोग अभी वर्तमान में कि वहाँ पट्टी बांध देते हैं और पट्टी को जब खोलते हैं तो आगे एक वो जो है शीशा रख देते हैं, लोगों को हटाइए ऐसा भाव प्रकट कर देते हैं कि देवता देखेंगे तो लोग जो है लोगों को हानि हो सकती है, प्राण भी जा सकते हैं, ऐसा भय दर्शाते हैं। लिखा हुआ है कि मूर्ति के सामने कोई न रहे और कुछ भोज्य पदार्थ, दर्शनीय पदार्थ, मंगल पदार्थों का जो है देवता के नेत्र उन्मीलन पूर्वक उसको दर्शन होना चाहिए। तो वो ऐसा भय बनाते हैं आजकल लोग, और वो पतला सा कांच रखते हैं, ये सब लिखा है इन्होंने, और लोग अपनी कुशलता से अंगूठे से दबा करके उसको स्फोट यंती फोड़ देते हैं और लोगों को लगता है कि देखिए मूर्ति में प्राण आ गए और ये जो है कांच फूट गया। परंतु ये जो क्रिया है स्नपन की क्रिया, ये मूर्ति शुद्धि के लिए होती है, ये प्राणों का संचार नहीं है। आगे ये लिखते हैं कि यदि मूर्ति में प्राण अभी आ गए तो तत्वन्यास का, जीवन्यास का और ये जो है शय्यादिवास का और प्राण प्रतिष्ठा का फिर तो कोई मतलब नहीं रहा, ये सब क्रिया तो व्यर्थ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये जो स्नपन है वो स्नपन केवल मूर्ति की अर्चा विग्रह की शुद्धि के लिए होता है, ये लिखा गया इसमें, क्योंकि वे कह रहे हैं वस्तु तस्तु स्नपन विधि अर्चा शुद्ध्यर्थम क्रियते, वस्तु तस्तु तो अर्चा शुद्धि के लिए किया जाता, नहीं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। परंतु लोग अपनी बावाही के लिए, कोई संत महात्मा या पंडित लोग भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि निंदनीय है, ऐसा सर्वथा उनको नहीं करना चाहिए। मूर्ति कोई ऐसी थोड़ी है कि वो जो है उनकी दृष्टि सौम्य होती है, कृपामयी होती है, वो कोई भी अनर्थक नहीं होती है और हानिकारक नहीं होती है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो फिर वो जो है मूर्ति के नेत्र बनाए जाते हैं और बाद में फिर जो है तीनों वेदियों का स्नपन होता है। फिर स्नपन के बाद मूर्ति को जो है मंडप में लिया जाता है, जो स्नान मंडप है वहां से, तो दो जगह रथ यात्रा का विधान है। अब जो पट्टी बंधी थी तो पट्टी खुल गई, नेत्र जो नहीं बने थे तो नेत्र बन गए, अथवा नेत्र बने ही हैं तो उनका संस्कार मात्र हो गया, अब पट्टी खोल दी गई। इसके बाद जो है रथ यात्रा करते हुए, मतलब मूर्ति को रथ में बिठा करके फिर नगर भ्रमण कराते हुए, नगर में भ्रमण कराते हुए फिर अपने जो है उनको जहाँ शय्यादिवास होना है वहाँ लेकर के आते हैं, फिर वहाँ शयन कराते हैं, तत्वन्यास आदि करते हैं। एक क्रम तो ये है, और दूसरा क्रम ये है कि जब शिला जो शय्यादिवास हो जाए मूर्ति का, उसके बाद अब उनको जो है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर भवन जो उनका प्रासाद है उसमें ले जाया जा रहा है, तब उस शैया से उठा करके मंत्र पूर्वक, विधि पूर्वक, अर्घदान पूर्वक और उनको फिर रथ में बिठा करके फिर नगर भ्रमण कराते हुए और उस प्रासाद में ले जाया जाता है और वहाँ स्थापित कर देते हैं। तो ये इन दोनों ही स्थितियों में कहीं भी जो है नेत्रोन्मीलन की चर्चा नहीं है, अर्थात
नेत्र बांध करके नगर भ्रमण नहीं होता है। नेत्रोन्मीलन की क्रिया, स्नपन की क्रिया पहले हो जाती है, उसके बाद रथ यात्रा है, चाहे वो शैयादिवास से पहले की जाए अथवा शैयादिवास के बाद की जाए, ये बात है। तो नगर भ्रमण में आंख बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेत्र खोल कर, क्योंकि इसको लौकिक दृष्टि से भी देखें कि भगवान को नगर दिखलाने के लिए ले जाया जाता है कि आप जिस नगर में विराजमान हैं आप उस नगर का निरीक्षण करें, तो लोगों को भी भगवान का दर्शन हो जाए और भगवान को भी उस देश का क्षेत्र का निरीक्षण हो जाए। तो जब आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी तो वे क्या देखेंगे और उनको कौन देखेगा, इसलिए पट्टी की आवश्यकता किसी भी तर्क युक्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं है। और दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि यह नगर भ्रमण की यात्रा की जो है विधि है, यह कृताकृतम एतत् विधि, यह जो विधि है कृताकृत विधि है, यानी कि जो है इसको किया जाए अथवा नहीं किया जाए कोई अवश्य करणीय विधि नहीं है, इसमें कर्ता स्वतंत्र है कि इसको करे अथवा नहीं करे, क्योंकि प्रतिष्ठा में बहुत क्रियाएं हैं, बहुत कार्य है, तो इसको करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये प्रतिष्ठा मौक्तिकम ये जो ग्रंथ है जिसकी जो मैं ये विधि बतला रहा हूँ, इसमें तो नगर भ्रमण की कोई विशेष चर्चा ही नहीं है। तो मुख्य बात यही हुई कि ये जो है नगर भ्रमण करते समय, नगर भ्रमण करने के दो विधान शास्त्रों में मिलते हैं, जिन पद्धतिकारों ने नगर भ्रमण रथ यात्रा का विवरण किया है, तो वो स्नपन के बाद शैयादिवास से पहले अथवा शैयादिवास के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो शैयादिवास से उठा करके नगर भ्रमण करा करके और देव मंदिर में ले जा करके फिर विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वहाँ नेत्रों पर पट्टी बांधने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव।